हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम भिन्न को जोड़ना, भिन्न को घटाना और भिन्न को गुणा करना और भिन्न को भाग करना, इन चारों चीज़ों को सीखने वाले हैं। इन चीज़ों के बारे में बेसिकली सीखने वाले हैं कि बेसिक तरीके से इनको कैसे ऐड किया जाता है, घटाया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भिन्न को जोड़ा कैसे जाता है। तो सबसे पहले जोड़ने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर दो संख्या दे रखी है, 3/5 प्लस 2/6। तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या जो होती है उसको बोला जाता है अंश बोला जाता है, यानी कि न्यूमरेटर, और नीचे वाली जो संख्या होती है उसको कहा जाता है हर, यानी कि डिनोमीटर। तो सबसे पहले हमको जो हर दोनों हर है 5 और 6, इनका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम के लिए मैंने एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ जाकर बेसिकली एलसीएम निकालना सीख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि 5 और 6, तो ऐसा कौन सा डिजिट होगा जिसमें 5 और 6 दोनों का पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी दोनों से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो ये सिंपल ही है कि 30 सबसे छोटा नंबर होगा जिसमें 5 और 6 दोनों का डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना होगा कि जो यहाँ पे जो संख्या है 5 का भाग इसमें देंगे 30 में हम, तो 30 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। अब 6 को हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो 6 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 18। फिर यहाँ पर एडिशन का साइन है तो प्लस लगा लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2 है, तो हम क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे 30 में 6 का भाग देंगे तो हमको 5 मिलेगा, और 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 10। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। तो 18 प्लस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28/30 सही हमारे पास। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम और सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे कि इक्वल टू 2 से कैंसिल होगा ये, तो 2 से कैंसिल होगा 14 times, और ये होगा 15 बार। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 14/15। ये इसका प्रॉपर तरीके से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि भिन्न को घटाना। अब भिन्न को घटाते कैसे है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 3/2 माइनस ऑफ 5/7, इसको घटाएं कैसे। तो इसमें भी हमको सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। एलसीएम सिर्फ हमको जोड़ने और घटाने में लेना होगा, गुणा भाग में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एलसीएम लेंगे हम सबसे पहले 2 और 7, तो इसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 2 और 7 दोनों का डिवाइड होगा। सबसे छोटी संख्या ऐसी होगी 14 सबसे छोटी संख्या होगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि 2 का भाग देंगे हम 14 में, तो क्या आता है, 7, और 7 को गुणा करेंगे किससे, 3 से। 7 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 21 देन हम माइनस का साइन लगाएंगे वापस, देन उसके बाद 7 का भाग देंगे 14 में, कितना आता है, 2, और 2 को हम गुणा किससे करेंगे, 5 से, तो कितना हो गया, 10। अब 21 में से 10 को घटा देंगे, कितना हो गया, 11/14। तो ये इसका प्रॉपर आंसर हो गया। इसी टाइप से हम आगे बढ़ते हैं कि भिन्न को गुणा करना, गुणा कैसे करना। अब हमको इसमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमको क्या देखना, सबसे पहले कि ऊपर नीचे या फिर आड़ा आड़ा जो है कि इसका अंश और इसका हर दोनों आपस में कट रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 25 और 5 कट रहे हैं, तो 5 एक बार कटेगा और 25 5 बार, और देखेंगे कुछ और कट रहा है तो कुछ और नहीं कट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर क्या क्या बता, 4 × 5, तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे 4 × 5। देन नीचे क्या बचा हमारा, 1 × 3, यानी कि 1 से गुणा करने पर तो वही डिजिट आएगा, तो हम 3 को एज इट इज लिख लेंगे। तो हम 4 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20/ क्या हो जाएगा, 3। तो ये इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, जो कि भिन्न का भाग करना। अब भाग करने में हमको क्या करना है, सबसे पहले ये हमको क्वेश्चन दे देगा 5/6, भाग का साइन लगा रहेगा फिर हमारे साथ, यहाँ पर लिख रखा 9/5। अब हमको क्या करना, सबसे पहले 5/6 जो है इसको हम एज इट इज लिखेंगे आगे 5/6। अब हम क्या करेंगे, भाग करना, यानी कि 9 में 5 का भाग देंगे फिर वापस इसमें भाग देना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस साइन को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया तो हम आगे जो ये डिजिट है 9/5, ये एक्सचेंज हो जाएंगे, हर अंश बन जाएगा और अंश हर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/9। अब हम देखेंगे कोई डिजिट कट तो नहीं रहा आपस में, तो कोई भी डिजिट आपस में कट नहीं रहा है, तो हम एज इट इज सॉल्व करेंगे। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25, और 6 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 54। तो ये इसका प्रॉपर आंसर हो गया। इसी टाइप से आप भिन्न के जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये सब सीख सकते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आप आराम से सीख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको बोडमास रूल के बारे में जानना हो तो आप लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, और अगर ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले जानने हो तो राइट वाली वीडियो भी देख सकते हो।
और वीडियो अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।